हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज जतिन गोयल आर्ट्स। तो आज की वीडियो में हम गणेश जी की ड्राइंग बनाने वाले हैं काफ़ी इजी मेथड से, और वो भी हम 8 लेटर से बनाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम इसमें 8 लेटर बना लेंगे जो कि सर्कल्स का यूज़ करके बनाएंगे हम। तो उसमें हमें क्या करना है, ऊपर वाला सर्कल स्मॉल बनाना है और जो नीचे वाला सर्कल है थोड़ा सा बिग बनाना है, जिस तरीके से 8 बनता है। तो आप किसी भी चीज़ की हेल्प से ले सकते हैं। मैं सर्कल जो अपना कड़ा है उससे बना रहा हूँ, आप चाहें तो कंपास से भी बना सकते हैं या कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सर्कल हो गया स्टोमच के लिए। अब फेस के लिए जो सर्कल बना रहे हैं हम, इसे छोटा बनाएंगे। तो इसमें भी मैंने एक कैप का यूज़ किया है, तो आप भी किसी कंपास से या किसी कैप से बना सकते हैं। तो ईजिली इसको ड्रॉ कर लें। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, अब हम उनका हेड बनाएंगे। अब हम ड्रॉ करने वाले हैं उनके ईयर्स। तो ईयर जो कि सर्कल के साइड से बनेंगे, देख सकते हैं आप इस तरीके से। और अगर आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप स्क्रीन पे ध्यान से देखें, मैं काफ़ी स्लो बना रहा हूँ तो आपको प्रॉपर दिखेगा उसमें, तो आप इजीली उसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसी तरीके से हम लेफ्ट साइड वाले ईयर को ड्रॉ करेंगे। ईयर को ड्रॉ करने के बाद मैं बना रहा हूँ उनका मुकुट। तो मुकुट सिंपल है, सीधे ऊपर हम मैं एक सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सेमी सर्कल। तो उसी तरीके से आप भी बना लें इस तरीके से। ये फेस के ऊपर सेमी सर्कल, ये मुकुट बन जाएगा, और उसके ऊपर एक टोम स्ट्रक्चर छोटा सा इस तरीके से। सो होप आप लोगों ने इतना बना लिया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है इसमें उनकी नोज को बनाएंगे। तो नोज आएगी सेंटर में से, तो आप स्क्रीन पर देखना आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सिंपल इस तरीके से आपको नोज ड्रॉ करना है, और इधर की पार्ट जो बनाएंगे उधर दोनों साइड से इक्वल रहेगी नोज, ये देख सकते हैं आप। वो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो को पॉज करें, उसको अच्छे से देखें, उसके बाद बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे उनके टीथ, जो कि एक जो टीथ है उनका टूटा हुआ रहता है और दूसरा है जो फुल बनाते हैं। अब ये उनके शोल्डर। तो पूरी वीडियो काफ़ी इजी है, आप अगर कोई प्रॉब्लम स्टॉप कर करके देख सकते हैं। अब हम बना रहे हैं उनका स्टोमच। तो आप देखिए कहाँ कहाँ पे मैं इसमें कर्व ले रहा हूँ, तो उसी तरीके से आपको भी इसमें कर्व देना है। अब जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो हैंड का है, तो इसमें मैंने सिर्फ एक ओवल शेप बनाया है, उसके बाद में इसमें फिंगर्स बनाऊँगा। तो इस साइड जो बनेगा हाथ जो बनता है उसमें मोदक बनाते हैं हम, तो इसलिए इसको इस तरीके से मैं शेप दे रहा हूँ। अब उनका लेग बनाएंगे हम। और दूसरा लेग। अब हम ड्रॉ करेंगे उसके बाद उनकी आईज। तो चलिए आईज पे आते हैं अब हम, और काफ़ी केयरफुल बनाना क्योंकि आईज से ही पूरा फेस का स्ट्रक्चर बनता है। तो पहले आईब्रोज ड्रॉ कर लेंगे हम बोथ ऑफ साइड। आइज नोज ड्रॉ करने के बाद मैं सर्टेन सम हाईलाइट्स दे रहा हूँ सिर्फ उसमें, और बोल्ड कर रहा हूँ उनको। जो जो पार्ट है हमने एक्यूरेट रखना है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम इरेज कर देंगे। मैंने ये चारकोल पेंसिल से बनाया इसलिए कुछ पार्ट मेरा इरेज नहीं हो रहा सही से। तो आप सिंपल पेंसिल से बनाएंगे तो आपका ईजिली इरेज हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने और अच्छे से दिखे इसलिए मैंने इनको चारकोल पेंसिल से बनाया। सो होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट करके बताएं मुझे वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।